जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्रेष्ठ ज्ञान महोत्सव का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक और जन्म कुंडली का विश्लेषण। ये जो जन्म कुंडली है गौरव कुमार छाबरा जी की है। तो गौरव जी, मिलान कीजिए आपकी बर्थ डिटेल्स। गौरव कुमार छाबरा 27/9/1982 4:20 AM बर्थ टाइम पैलेस दिल्ली NCT। बहुत परेशान हूँ गुरुजी, आज तक कोई बिजनेस सेट नहीं हो कर पाया। नौकरी भी एक दो साल से ज्यादा नहीं चल पाती। तो आपने जो डिटेल दी है उसके अनुसार सिंह लग्न आपका है, स्वामी जिसके सूर्य होते हैं और वो सप्तमेश शनि के साथ, उच्च के बुध और नीच के शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठे हैं। चतुर्ग्रही योग जिस भी भाव में बनता है तो वो पराक्रम अवश्य करवाता है, मेहनत करवाता है। द्वितीय भाव में है, परिवार वाले भाव में है तो ये मेहनत करवाएगा। राशि आपकी धनु है, जहां चंद्र केतु की युति पंचम भाव में है, राहु मिथुन राशि में एकादश भाव में उच्च के होकर बैठे। कई तरीके का ये आपको हुनर देंगे, आर्ट देंगे बिजनेस फील्ड में। पाया आपका जो है रजत है, तो पाया अच्छा है आपका। वर्ण क्षत्रिय है, ये भी अच्छा है, संघर्ष कर पाते हैं, ऐसे लोग अकेले भी संघर्ष कर लेते हैं। योनि सिंह की है, ये भी अच्छा है, गण मानव है, ये भी अच्छा है। सिंह लग्न 14 डिग्री का लग्न है, तो लग्न भी आपका ठीक ठाक है। लग्न को और मजबूत करना है तो आपको दूसरे के घर का खाना पीना नहीं खाना है और थोड़ी सी दौड़ धूप आप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जिम वगैरह वर्कआउट योगा प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपका लग्न मजबूत होगा और आपको फायदा मिलेगा। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अर्थात सूर्य के नक्षत्र में है। राशि आपकी धनु है, जिसका स्वामी गुरु है। लग्न आपका सिंह है, जिसका स्वामी सूर्य है। और नक्षत्र आपका उत्तराषाढ़ा, जिसका स्वामी सूर्य है। ये आपको अद्भुत लाभ मिलेगा आपके जीवन में। देखिए, आपके लिए सूर्य शनि की युति और शुक्र जहां नीच का होकर बैठा है द्वितीय भाव में, ये संघर्ष अवश्य करवाएंगे। संघर्ष ऐसा होगा कि कभी कभी आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों की मदद की बजाय आपको, मतलब उनसे हो सकता है अपमानित होना पड़े, ऐसा समय आएगा, लेकिन आप उसको पार कर जाएंगे। आपके अंदर आपका जो आत्मबल है वो बहुत मजबूत होगा, मतलब रेयर चांस में आप टूटेंगे। ये सिंह लग्न की वजह से है, धनुराशि की वजह से है। अभी जो आपकी परेशानी का कारण है, जैसा कि आपने कहा नौकरी एक दो साल चल पाती है, बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, तो वो वजह है दशा आपके राहु की चली हुई है। सिंह लग्न और धनुराशि दोनों तरफ से एक गुरु और एक सूर्य, दोनों के परम शत्रु राहु उच्च के होकर बैठे हैं और अभी इसी साल के उच्च के हैं और आपकी ये दशा पूरी हो रही है 9/8/2022 तक, तो स्थिरता कहां से दे देंगे? ये नेगेटिव विचार देने वाले हैं। पर उच्च के बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, तो ये आपको काफी तरह का टैलेंट दे रखा होगा, आपको पहचानना है। और उस जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलिए। जो आपके पास टैलेंट है, आपके पास बोलने का लॉजिक अच्छा है, वाणी अच्छी, अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस आप 9/8/2022 तक आपके धनुराशि है तो 7.5 ही भी है। सिंह लग्न वालों के लिए, धनुराशि वालों के लिए सही नहीं है। तो ये समय आपका इम्तिहान का है, 9/8/2022 तक आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, भले कोई साथ दे ना दे। हाँ, 9/8/2022 के बाद में आपको वो सब कुछ मिलेगा, फिर आपके हिसाब से लाइफ चलेगी और कहां से कहां पहुंचेंगे ये तो समय बताएगा।
9/8/2022 दो साल करीबन है, दो ढाई साल, सिर्फ मेहनत सिर्फ मेहनत सिर्फ मेहनत। राहु करेगा ऐसा कि आप 100 कदम चलेंगे 10-15 कदम का ही फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी। ये जंग अगर आप जीत गए दो ढाई साल की तो सब कुछ आपका, आपके हिसाब से। मंगल चतुर्थी में अपने घर का बैठा है, सिंह लग्न का मित्र है, लेकिन ये मांगलिक योग बनाता है, जिस वजह से थोड़ा सा मतलब ग्रह कलेश ये अधिकतर करवा देता है, नेगेटिव प्लानेट है। लेकिन उसका होने, ये अपने घर का होने से और सिंह राशि वाले मित्र होने से ये आपको मकान वाहन का सुख भी अवश्य देगा, जमीन से संबंधित लाभ आपको देगा, प्रॉपर्टी डीलर का काम करेंगे तो उसमें भी आपके लाभ देगा। तो आप बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसा भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए अभी इसी साल और उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दीजिए। सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ेगा। आज से ही आदत डाल लीजिए, कभी भी सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना, आदि जंगल से जीत जाएंगे आप। गायत्री मंत्र की माला आप जाप कीजिए, सूर्य मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, आपके जो राजयोग है उनका फायदा आपको तुरंत मिलेगा। शुक्र नीच का है, तो जितनी भी आपके घर में महिलाएं हैं, दादी नानी मम्मी पत्नी बेटी जो भी है, गोआ है जो भी है, उनकी आप भरसक मदद कीजिए। शुक्रवार के दिन अपने वाइफ को कोई ना कोई उपहार दीजिए, शुक्रवार के दिन हो सके तो गाय के दूध की खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाइए, अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। या आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस में आप बहुत कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। सिर्फ राहु की ये जो दशा है, इधर आपके पास में अस्थिरता आ गई, क्योंकि इधर राहु की दशा भी आ गई, तो इधर से 7.5 का अंतिम चरण आ गया, दो ढाई साल सिर्फ मेहनत सिर्फ मेहनत, फिर सब कुछ आपका। अब देखिए राहु की दशा है तो उस आपकी चिंता परेशानी को रुकावटों को थोड़ा दूर करने के लिए राहु की महादशा में आप कुत्ते को रोटी डालिए, गाय को काले तिल और गुड़ खिलाइए, नखुन वगैरह काट के रखिए, कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं, जो भी आपकी मतलब वॉशरूम है बाथरूम है मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करें मैंने वीडियो डाल रखा, आप देख सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए कम से कम 11 बार, उठते साथ बिस्तरों में पढ़ सकते हैं या रात्रि में सोने से पहले आप पढ़कर सोएं, चमत्कार आपको मिलेगा। 11-12 दिन के बाद ही आपको धीरे धीरे इसका असर देखने को मिल जाएगा। सुंदरकांड का पाठ या रामायण पाठ कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी बड़ा हो या पत्नी को आप दीजिए वो कर सके तो बहुत बढ़िया है। गोमूत्र का सेवन आप कर सके तो अच्छा है, गोमूत्र से पोछा आदि अवश्य कीजिए सप्ताह में एक बार। नमक का हो सके दान कीजिए, जो भी आपके पुराने वस्त्र हैं कपड़े हैं जूते चप्पल हैं उनका आप दान कीजिए। शनि की 7.5 की वजह से ये कष्ट अवश्य देंगे राहु के साथ मिलके, तो आपको क्या करना है, एक तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दीजिए, 12 श्लोक है, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। शमी वृक्ष हो तो ठीक है, नहीं तो पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए, शनिवार वाले दिन शनिवार का व्रत आदि रखिए। काले तिल डालकर उड़द की खिचड़ी बनाइए, कुत्ते को गाय को कौवे को खुद भी प्रसाद रूप में खाइए। तेल का दीपक अवश्य जलाइए, शनि के 12 नाम है और उनकी पत्नी के 12 नाम है, उनका आप जाप कीजिए सुबह पहले उठते साथ, शनि देव के 12 और उनकी पत्नी के 12 नाम लीजिए, आपका दिन बन जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा। और भी आपकी समस्या रही हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। 9/8/2022 तक संघर्ष का समय है, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है, आपको टैलेंट इकट्ठा करना है और 9/8/2022 के बाद में आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। खाली अगर आप बैठे रह गए
तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। उस टाइम आप पछताएंगे कि मैं इन 2 सालों में ये कर सकता था। तो राहु एकादश भाव में है, उच्च का है, तो ये आपको टैलेंट देगा और आपके पास रास्ते भी काफी आएंगे कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो हार मत मानिएगा, एक बार विफल होंगे, 2 बार विफल होंगे, 3री बार चौथी बार में सफल हो ही जाएंगे। साथ किसी का नहीं मिलेगा, अभी 7:30 चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, कैसे मिल गया? माँ की सेवा कीजिए स्थिरता लाने के लिए। पत्नी और माँ जो है वो व्यापार के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप व्यापार में इंक्रीज करना चाहते हैं दिन रात, तो माँ की सेवा कीजिए और पत्नी की मदद कीजिए। पत्नी अगर माँ और पत्नी अगर दोनों खुश है तो कभी भी बिजनेस में आप डिक्रीज नहीं हो सकते, अवनति नहीं हो सकती आप। तो बस इन चीजों का ध्यान रखिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप मैंने जो हनुमान चालीसा 108 कल जिसका वीडियो डाला था, वो आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पढ़नी है, सिर्फ महीने में 1 दिन वो कर लीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस स्थिर हो जाएगा, आपका माइंड स्थिर हो जाएगा, आपका हर चीज स्थिर हो जाएगी और कहां से आप कहां पहुंचेंगे, ये गारंटी है। सिर्फ 9/8/2022 तक आप करते रहिए और कमेंट कीजिएगा जैसा भी आपको लगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।